स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। अगर आप मुझे YouTube चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपने बहुत सारे मेरे PCOD या फिर PCOS की वीडियो देखा होगा। वहाँ पे मुझे कमेंट में बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं उसकी जवाब में वीडियो बनाने की बहुत सारी कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है PCOD की, बट उन सारे सवालों में एक चीज़ मुझे बार बार आ रही है, मुझे खटक रही है ये चीज़ कि बहुत जने लोगों को ये पता नहीं है कि फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है। और मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं कि उन्होंने पूछा है कि मैम क्या फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने पर हम दवाई लेके उसको खोल सकते हैं, क्या फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद हम कंसीव कर पाएंगे, क्या हिमालय का ईवी केयर लेने के बाद हमारा ब्लॉकेज फॉलोपियन ट्यूब है वो ओपन हो जाएगा, क्या आयुर्वेदिक चीज़ों से हमारी फॉलोपियन ट्यूब ओपन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, दवाइयों से होगा या फिर नहीं होगा, इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, ये सब सवालों के आज मैं जवाब देने वाली हूँ। क्योंकि मुझे लगा आप लोग बहुत कंफ्यूज हों कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के बाद भी मेडिसिन से ठीक होगा या फिर नहीं, मेडिसिन से हम कंसीव कर पाएंगे या फिर नहीं, तो मैं आज इन सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फॉलोपियन ट्यूब होता क्या है। फॉलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी की नली। जो पतली पतली सी नली होती है उसको फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो हमारे बच्चेदानी के दोनों साइड में होती है। फॉलोपियन ट्यूब का मेन काम होता है जो हमारे ओवरी में अंडा बनता है हर महीने, जैसे आपको पीरियड आते हैं, पीरियड आने के टाइम से आपके छोटे छोटे अंडे बनने चालू हो जाते हैं, जैसे 14 आपकी पीरियड की 14 दिन के बाद एक एग मैच्योर होता है और वो फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए निकलता है। अगर फॉलोपियन ट्यूब में जब अंडा निकल रहा हो उसी टाइम पे आपकी मेल पार्टनर की स्पर्म अगर उससे मिलता है तो जाके वो बच्चा बनता है, और फॉलोपियन ट्यूब में पहला प्रोसेस होता है बच्चा बनने का। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है या फिर उसमें सूजन होती है, ब्लॉक होता है, तो आपकी अंडा जो बनता है वो अंडा रिलीज नहीं होता है। जब अंडा रिलीज ही नहीं होता है तो आपकी आप सेक्सुअल रिलेशन भी रखते हो, आपकी मेल पार्टनर के स्पर्म भी आता है, तो वो फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए जाता है और इधर से अंडा आता है, उधर से स्पर्म आता है, बीच में फॉलोपियन ट्यूब में मिलके और बच्चेदानी में चले जाते हैं, तब आपका कंसीव होता है। तो आपकी अंडा रिलीज हो तो जाता है, बट अंडा आने के जो नली होती है वो ही ब्लॉकेज हो जाती है, तो आपको कंसीव नहीं होगा। फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है PCOD या फिर PCOS। अगर आपको PCOD है तो भी आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने कभी भी अबॉर्शन कराते हो, जैसे कि आपकी कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है, अपने आप बच्चा गिर जाता है, कभी कभी आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप अबॉर्शन कराते हो और बाद में सोचते हो मैं बच्चा करूं, उसी वजह से भी आपकी फॉलोपियन ट्यूब में सूजन हो सकता है। क्योंकि जब आप बच्चा गिरा देते हो तभी गर्भाशय में हमें बहुत सारी तकलीफ होती है, आपको पता होगा पेट में दर्द होता है, उसकी वजह से फॉलोपियन ट्यूब, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब इतने पतले पतले लेयर में होते हैं, बहुत पतले से पतला सा नली होता है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो वो सूज के ब्लॉकेज होने के ज़्यादा चांसेस होता है। या फिर आपको कभी TV हुआ हो उससे भी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने की चांसेस होते हैं, या फिर कभी आपको सेक्सुअल इन्फेक्शन हो उसमें भी आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने का आपको इतना ज़्यादा लक्षण नहीं दिखता है, बट किसी किसी महिला में ये दिखते हैं कि उनके सफ़ेद पानी निकलता है, कभी बदबू वाली पानी भी निकल सकता है, और पानी पानी जैसे निकलता है जैसे पीला पीला हो, जैसे पिंक कलर का हो, बहुत टाइम से अगर आपको इस तरह के पानी, बदबू वाली पानी अपनी वजाइना से निकल रहा है तो हो सकता है आपको कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, बट इतना ज़्यादा लक्षण नहीं दिखता है इसमें, इसीलिए आप जान नहीं पाते हो कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर नहीं है। या फिर आपको जब पीरियड आता है, पीरियड के टाइम पे आपकी पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड आने के 2-3 दिन पहले से, या फिर पीरियड आने के 2-3 दिन बाद, या फिर पीरियड खत्म होने तक आपको कंटिन्यू दर्द होता है, तो ये भी आपकी लक्षण हो सकता है कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है या फिर ब्लॉकेज है। अगर आपको सेक्सुअल रिलेशन रखते टाइम भी दर्द होता है, हल्का हल्का ऐसा लगता है कि आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपको जब पेशाब करने जाते हो, यूरिन पास करने जाते हो, तभी आपको भारी भारी सा महसूस करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है,
तो भी ये हो सकता है कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद हो या फिर ब्लॉकेज हो। तो फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने का इतना ज़्यादा लक्षण तो नहीं दिखता है, हमें इतने पहले से ही पता नहीं चलता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है नहीं है। आजकल ऐसे पाया गया है 40% लेडीज़ का जिसका बच्चा नहीं होता है उसका फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होते हैं। जब आप गायनी के पास जाते हो तो गायनी आपको एक्सरे कराती है, एक्सरे करने के बाद उनको पता चलता है फॉलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक है नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है नहीं है वो गायनी कैसे चेक करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वो कैसे चेक करती है। सबसे पहले गायनी आपको बेड में लिटाती है, जैसे नॉर्मली हम चेकअप के लिए जाते हैं तो बेड पे हम सो के चेकअप करते हैं, इस तरह से ही आपको लिटाती है और आपकी वजाइना में एक डाई डाली जाती है जिसका काम होता है आपकी जैसे वजाइना के रास्ते से होते ही आपकी बच्चेदानी से होते ही वो इस तरह से जाते हैं आपके दो फॉलोपियन ट्यूब में, इस तरह से जाता है। वो छोटी छोटी नली टाइप की होती हैं जो डाई आपको डाला जाता है, आप जैसे वजाइने में वो डालते हैं तो वो धीरे 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 करके आपके बच्चेदानी से होके इस तरह से दोनों साइड से फॉलोपियन ट्यूब से होते हैं वो डाई जाता है। अगर वो सही से जा रहा है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है तो आपकी फॉलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, अगर वहाँ पे कोई रुकावट है या फिर वो डाई नहीं जा रहा है तो आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। तो इस तरह से जो डाई होती है उसमें कैमरा लगा होता है वो पिक्चर कैप्चर कर लेता है, अगर वो डाई जाने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है तो वो कैमरा से फोटो खींच लेता है, आप एक्सरे कर लेता है कि कहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक फॉलोपियन ब्लॉकेज है। तो गायनी को पता चल जाता है कि कहाँ पे कितने सेंटीमीटर फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। अब आपकी एक सवाल है कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के बाद क्या दवाइयों से खुलता है, ये भी डिपेंड करता है अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब दोनों साइड से ब्लॉकेज है या फिर एक साइड से ब्लॉकेज है। अगर आपकी एक साइड से ब्लॉकेज है तो गायनी आपको दवाइयाँ देती हैं और इंजेक्शन भी लगाती हैं जिससे आपकी ओवरी में अच्छा अंडा बने और आप एक फॉलोपियन ट्यूब से भी बच्चा कंसीव करे। अगर आपकी दोनों ही फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हैं तो आपकी बच्चा होने की कोई सी चांसेस नहीं है, आपको लैप्रोस्कोपिक एक सर्जरी होती है वो करवानी पड़ेगी। अब आपके सवाल हो सकता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या किया जाता है, कैसे करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसमें जो आपकी फॉलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज हिस्सा होता है या फिर कहीं आपका पानी भरा हो फॉलोपियन ट्यूब में तो ब्लॉकेज हिस्से को काट के फिर से नली जोड़ देते हैं डॉक्टर, तो उससे आपको कंसीव हो सकता है। ये सर्जरी कराने के बाद भी आपको 40-60% ही चांसेस होता है कि आप कंसीव कर पाओ, अगर आप इससे भी कंसीव नहीं हो तो डॉक्टर आपको IVF की सलाह देते हैं। तो आई होप आपकी सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर आपकी दोनों फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हैं तो आपकी कोई चांसेस नहीं है कि आप माँ बन पाओ या फिर कंसीव कर पाओ। अगर आपकी एक ही फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो आपके हो सकता है आयुर्वेदिक दवाई से भी आप कंसीव कर पाओ। इससे बेस्ट सॉल्यूशन है आप एक बार गायनी के पास जाओ, गायनी को दिखाओ आपके अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो गायनी आपको दवाइयाँ देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे या फिर आप आयुर्वेदिक में भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सवालों की जवाब देने की कोशिश करूंगी। फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।